अस्सलाम वालेकुम 4K DTH Info YouTube चैनल में खुश आमदीद दोस्तों, मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। दोस्तों ये मेरी 2 फीट की डिश है, तो इस पर मैंने पाक सेट KU बैंड 38 ईस्ट और एक्सप्रेस 40 ईस्ट KU बैंड दोनों सेटेलाइट को 2 फीट डिश पर लगाया है और दोनों के चैनल में आपको एक साथ रिसीव करके दिखाऊँगा। तो चलें दोस्तों, अब मैं आपको LCD की तरफ ले चलता हूँ, वहाँ पर इस सेटेलाइट को स्कैन करेंगे और देखेंगे कौन से नए चैनल रिसीव होते हैं। लेकिन पाक सेट KU बैंड पर एक डोमेस्टिक सपोर्ट्स चैनल चल रहा है दोस्तों, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और कौन से चैनल रिसीव होते हैं ये भी चेक करके दिखाऊंगा। तो चलें दोस्तों, अब मैं आपको LCD की तरफ ले चलता हूँ, लेकिन आपने LNB की डायरेक्शन इस तरह रखनी है। तो चलें दोस्तों, अब LCD की तरफ चलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबा दें। चलें दोस्तों, मैंने पाक सेट 38 ईस्ट KU बैंड और एक्सप्रेस 40 ईस्ट KU बैंड दोनों सेटेलाइट को एक ही सेटेलाइट पर स्कैन किया है, वो है एक्सप्रेस 40 ईस्ट। तो दोनों सेटेलाइट के चैनल KU बैंड एक्सप्रेस 40 ईस्ट पर हमें रिसीव हो चुके हैं। तो आपके टाइम की बचत की खातर मैंने ऑलरेडी स्कैन कर लिया है। तो चलें दोस्तों, अब मैं आपको इसकी चैनल लिस्ट दिखाता हूँ कि कौन से चैनल एक्सप्रेस 40 ईस्ट के और कौन से चैनल पाक सेट KU बैंड के चल रहे हैं, वो भी 2 फीट डिश पर। तो चलें दोस्तों, अब मैं आपको चैनल लिस्ट दिखाता हूँ। तो ये देखें, एक्सप्रेस 40 ईस्ट को मैंने सिंगल सेटेलाइट कर लिया है। तो सबसे पहले दोस्तों ये देख लें, हमें टोटल 12 चैनल रिसीव हुए। सबसे पहले ये देख लें दोस्तों, हम कराची, ये चैनल हमें रिसीव हो चुका है। ये सामने देख लें दोस्तों, अब्दुल्ला ग्लास और आइस चाहिए। ये देखें, यहाँ पर ये फूड का चैनल है। तो उसके बाद जो हमें चैनल रिसीव हो चुका है वो है TV101, इसको भी देख लें दोस्तों, ये भी आपके सामने क्लियर चल रहा है दोस्तों, TV101। इसकी निश्चयात भी देख लें, ये बेसकीपर चल रहा है। उसके बाद जो देखने का चैनल है दोस्तों ज़बरदस्त, वो ये सपोर्ट्स का चैनल हमें रिसीव हो चुका है। जो लोकल सपोर्ट दिखाई जा रही है यहाँ पर, तो ये लोकल मैच दिखाया जा रहा है मेरे ख्याल में कराची में। तो ये देख लें, अगर आप इस सेटेलाइट को स्कैन करते हैं तो डोमेस्टिक क्रिकेट आप बआसानी देख सकते हैं। तो ये देखें, फवाद आलम, ये दोस्तों पाक सेट KU बैंड पर एक नया चैनल स्टार्ट हो चुका है जो सपोर्ट्स का, आप इसका नाम भी देख लें ऊपर। तो चलें दोस्तों, अब और चैनल भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। उसके बाद ये चैनल भी देख लें, लेकिन इसके सिग्नल रिसीव नहीं हो रहे। लाहौर ऑफिस, इसको भी देख लेते हैं दोस्तों, ये भी नहीं चल रहा। इसके आप सिग्नल देख लें, बहुत अच्छे सिग्नल मिल रहे हैं दोस्तों। प्रोग्राम 1, फाल्गुनी HD, ये दोस्तों जो कुछ अर्सा पहले वतन HD एक्सप्रेस 40 इस पर चल रहा था, लेकिन अब इसके सिग्नल ख़त्म हो चुके हैं, यहाँ से ये यहाँ से बंद हो चुका है। तो यहाँ पर जो हमें रिसीव हुआ है दोस्तों, ये देखें, ये एक और चैनल भी हमें रिसीव हो चुका है, ये भी पाक सेट 38 ईस्ट का चैनल है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक्सप्रेस 40 ईस्ट का ये देखें, अफ़गान TV, ये देखें दोस्तों, अफ़गान TV भी हमें मिल चुका है। इसका वॉल्यूम कम कर देते हैं, अफ़गान TV आपके सामने क्लियर चल रहा है, ये सिग्नल देख लें, ये एक्सप्रेस 40 ईस्ट का चैनल है। उसके बाद जो पहले नंबर पर हमें रिसीव हुआ है दोस्तों, ये देखें, ये देखें एक्सप्रेस 40 ईस्ट पर ये भी चल रहा है दोस्तों, ये इसको देख लें आप सामने, इसकी निश्रियात देख लें RT। तो ये ज़बरदस्त चैनल हमें रिसीव हो चुके हैं दोस्तों, टोटल हमें 12 चैनल रिसीव हुए हैं।
तो उसके बाद दोस्तों जो बहुत अच्छा चैनल हमें रिसीव हो चुका है वो ये है, ये देख लें सपोर्ट्स का चैनल आपके सामने क्लियर चल रहा है। अगर आप इस सैटेलाइट को दो फीट डिश पर लगाना चाहते हैं तो दोनों सैटेलाइट आप रिसीव कर सकते हैं, वो भी दो फीट डिश पर, एक्सप्रेस 40 ईस्ट और पाक सेट के यू बैंड 38 ईस्ट। तो चलें दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।